एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैंने सोचा आपको आंवला कैसे प्रिजर्व करें वो बताती हूँ, क्योंकि अब आंवला जा रहा है और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो कैसे हम इसको आगे आने वाले समय में यूज करते हैं। तो मैंने करीब ये लिया है 2 किलो आंवला। देखिए, 2 किलो आंवला को मैंने ऐसे काट लिया है बारीक बारीक। अब इसमें, क्योंकि मैंने एक दिन पहले रख दिया था, तो कुछ आंवले जो हैं वो ऐसे दाग हो गए थे, जिनको मैंने निकाल लिया है और ऐसे पानी में डिप कर लिया है। दो चीज मैं आपको बताने वाली हूं, एक तो हाउ टू प्रिजर्व और कैसे हमको इसका ऑयल बनाना है। तो इसको मैं उबलना रखती हूँ एक तरफ और इसका जूस निकालते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें आंवला डाल रहे हैं और जूस निकालकर आपको बताते हैं। और ये देखिए, ये जो जूस है वो इस तरह से निकल गया है बिना पानी के, आप देख सकते हैं। इसको हम आइस क्यूब की तरह जमाएंगे और मैं दिखाऊं इसमें क्या अलग से और निकला है। इसका जो भूसा निकला है वो बहुत ड्राई है, जो पल्प है वो बहुत ड्राई है। और ये देखिए, जो इसका गुदा है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। आप चाहें तो इसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर पानी मिला के आप यूज कर लें, अदरवाइज ये बिल्कुल देखिए ड्राई है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई, तो पानी में उबाल के आप इससे सिर धो सकते हैं। मतलब कुछ भी इसका वेस्ट मत कीजिए, आंवला बहुत ही गुणकारी फ्रूट है। तो आप देख सकते हैं जूस भी बहुत अच्छा बन गया है, मैं इसको प्रिजर्व करूंगी। आप किसी भी चीज में डालिए और पीजिए। लेमन डाल के मैंने एक जूस बनाना बताया हुआ है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम आइस ट्रे में इनको भर लेंगे और जैसे ही ये जम जाएगी ना, तो फिर जिप पाउच बैग में निकाल के इनको प्रिजर्व कर लेंगे। तो फिर आप समर में यूज कीजिए, किसी भी ड्रिंक में डालिए और पीजिए। तो यानी आंवला आपको इस समय का प्रिजर्व ऐसे कर सकते हैं, पूरा साल आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये जो उसका ड्राई गूदा बचा है उसको हम इस तरह, क्योंकि इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेस भी हैं, तो उसको हम किसी भी ट्रे में ऐसे जमा देंगे और फ्रीज कर देंगे। आप चाहें तो इसकी क्यूब्स निकाल के रख लें, या आप जिपलॉक बैग में वैसे भी भर के रख सकते हैं, और जब चाहें तो इसको जूस में डाल के यूज कर सकते हैं। इस तरह से करके हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में। एक तरीका ये है कि हम जितने भी ये छोटे पीसेस हैं, देखो इनको पानी वानी बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, और इनको हम सीधा ऐसे जिपलॉक बैग में भरेंगे। मैंने जिपलॉक बैग लाना है इसलिए आपको मैं इसमें करके बता रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप से जिपलॉक बैग में रखेंगे और इसको बंद कर देंगे और फ्रीज कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है पूरा साल आंवला प्रिजर्व करने का, है ना बढ़िया। तो अगर आपको ये मेरी चीजें या रेसिपी या वीलॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप भी प्रिजर्व करके देखिए कि कितना सफल होता है ये। तो ये देखिए, पानी डालकर हमने आंवले को उबलना रख दिया था और ढककर धीमी आंच पर करीब इसको आधा घंटा उबाला है। अब ये ठंडा हो गया है, इसका कलर भी आप देखिए कैसा चेंज हो गया है, और मैं यहां आपको दिखाऊं कि बहुत अच्छे से गल गया है। ऐसे देखिए मैश हो रहा है, बहुत अच्छे से गल गया। जो गुठली पर भी था ना, आप देखिए जैसे गुठली पर है ये, तो ये भी बहुत अच्छे से ऐसे मैश हो गया। देखिए गुठली कितने अच्छे से साफ हो रही है। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से हम सारा स्ट्रेन कर लेंगे और गूदा भी, इसका पल्प भी जो है मसल के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, जो पतीले में हमने उबाला ना आंवला, उसको हमने छान लिया है और आप ये देखिए थिक है। इसको भी आप क्यूब्स में जमा के रख सकते हैं, बट मैं क्या करूंगी, इसको छान के ना थोड़ा सा बॉटल में भर लेंगे पानी मिला के, ताकि वो स्प्रे कर सके। वो मैं आपको दिखाती हूँ भी कैसे भरना है। और देखिए ये कितना बढ़िया, मतलब आंवले का कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, हमने सारा आंवला बहुत अच्छे से यूज कर लिया है। तो देखिए, जो ये हमने आंवला का जूस ऐसे प्रिजर्व किया था, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये आइस ट्रे तो अब यूज करनी है, तो इसको हम इसमें निकाल लेंगे और इनको फिर जिपलॉक बैग में भर देंगे। ये इस टाइप के जिपलॉक बैग आते हैं जिसमें आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो आपकी जगह भी कम घिरती है और चीजें भी बहुत फ्रेश रहती हैं। और जब भी आपको गर्मी में आंवला लेना है, आप इस तरह से यूज कीजिए। ये देखिए, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं और भी निकाल कर इसी तरह से जमा दूंगी।
और ये देखिए जूस निकालने के बाद जो ये बच गया था इसको भी हमने जमा लिया था, थोड़ा सा पानी लगाकर मैंने इसको निकाल लिया है एज इट इज। और इसका आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको भी मैं जिपलॉक बैग में रख रही हूँ कि जैसे आपको बाल धोने हैं इसको थोड़ी देर थोड़ा सा निकालिए और आप पानी में बॉईल कीजिए और यूज़ कीजिए। आंवला हर तरह से बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये भी मैंने बैग में ऐसे भर दिया, उस दिन मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, और ये बहुत अच्छे से देखिए जम गए हैं, 10 से 15 दिन हो गए हैं, कलर में कोई फर्क नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी ये सब। और देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ऑयल नहीं बता रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। बट ये मैंने ऐसे स्प्रे बॉटल में ना इसको भर के रख लिया है, आंवले के जूस को जो पानी निकला था ना उसको हमने स्प्रे बॉटल में भर के रख लिया है। तो जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाएं तो थोड़ी देर आप इस तरह से बालों में ना सारे में स्प्रे करके और इसको लगा के छोड़ दें, फिर उसके बाद वॉश करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।